हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वीपी स्टडी पॉइंट। तो आज जो है हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट से। पिछले लेक्चर में हमने हमारा मैग्नीट्यूड तक ख़त्म किया था, तो आज हम हमारा यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का हमारा सीधा सा मतलब होता है कितना। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हमने एक लाइन ली और तीन बच्चों को बोला कि आप उसको मेज़र कीजिए। एक ने बोला कि ये 1 मीटर की है, एक ने बोला ये 100 सेंटीमीटर की है, एक ने बोला ये 1000 मिलीमीटर की है। डिफरेंस क्या है कि सबके स्केल्स अलग अलग हैं लेकिन मेज़रमेंट है वो सबकी सेम है। तो बस इतना ही होता है हमारे मैग्नीट्यूड के अंदर। अगर हमारी यूनिट है वो बड़ी होती है तो हमारा नंबर छोटा होता है, और अगर नंबर छोटा होता है तो यूनिट अगर नंबर बड़ा होता है तो यूनिट छोटी होती है। तो अब हम आ जाते हैं यूनिट में। यूनिट होती क्या है? मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स को जो मेज़र करती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स को जो एक्सप्रेस करती है उसको हम यूनिट कहते हैं। जो भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करे, एक्सप्रेस करें, उसी को हम यूनिट कहते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल सिस्टम यूनिट का। हमारे पास ये है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल है। हमारी फिजिकल यूनिट्स कौन कौन से, लेंथ है, मास है और टाइम है। अब जो सिस्टम है, एक है हमारे पास CGS गॉसियन सिस्टम, एक है हमारे पास MKS SI सिस्टम, जिसको हम आज के टाइम पे SI सिस्टम को ही यूज़ करते हैं हर जगह। फिर है हमारे पास FPS ब्रिटिश सिस्टम। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो लेंथ है, मास है और टाइम है। सबसे पहले हम देखेंगे CGS में। CGS में क्या है, सेंटीमीटर है लेंथ, ग्राम में है, मास जो है वो ग्राम में है, और जो टाइम है वो सेकंड में है। और जो MKS है, MKS में क्या है, जो मतलब जो हमारी SI यूनिट है उसमें जो लेंथ है वो मीटर में है, मास किलोग्राम में है और टाइम सेकंड में ही है। और जो FPS है, जो ब्रिटिश सिस्टम है, उसके अंदर लेंथ फुट में है, मास पौंड में है और टाइम सेकंड में है। फिर हमारे पास आ जाती हैं SI यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो है SI यूनिट, उनके सिम्बल्स। हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, सबसे पहले लेंथ, ये तो हमें साथ तो याद करनी होगी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमारी यूनिट है लेंथ, लेंथ का सिंबल क्या होगा, एम, मीटर, और SI यूनिट क्या होगी, मास। देन हमारे पास क्या है, मास, मास क्या है, किलोग्राम, मतलब सिंबल होगा KG। टाइम क्या है, सेकंड, तो सिंबल होगा S। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एम्पियर, किस चीज़ में, मतलब हम मेज़र एम्पियर में करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमारा सिंबल होगा A, वो भी बड़ा वाला A होगा। टेम्परेचर क्या है, केल्विन में मेज़र करते हैं तो K होगा, बड़ा वाला K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेज़र करते हैं, MOLE, और जो इसकी जो है सिंबल होगा वो होगा MOL। देन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडिला में मेज़र करते हैं, उसका सिंबल होगा CD। और अभी हम जो है इसको इस क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम आज बस यूनिट के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिया हमने, यूनिट पढ़ लिया, और जो SI यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, हमने उनके बारे में पढ़ लिया। आगे का मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। तो होप आपको जो मैंने आज छोटा सा टॉपिक बताया बिल्कुल ये आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।